हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल द सोनी क्लासेस। देखिए, हमने आपको पिछली वीडियोस में इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस टॉपिक कराया था कि सेंटेंस क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, जिनमें कि एसर्टिव वाला फिनिश हो चुका है, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दो पार्ट्स थे। जो नेक्स्ट है, सेकंड वाला है, वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, आपको ज़रा बता दूं कि ये दो तरीके से बनाए जा सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एक तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे ला करके, और दूसरा क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाट, वेयर, हुम, हु, हाउ, हाउ मच वगैरह वगैरह, उनको लगा करके। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी वर्ब वगैरह है वो लगा के ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क तो लास्ट में हमेशा याद रखना ही है। डब्ल्यू एच वर्ड वाला है, पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह, प्रीपोजिशन, जो भी कुछ होगा, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इंटरोगेटिव का मतलब आप समझ ही गए, प्रश्नवाचक वाक्य। उसके एग्जाम्पल्स हम यहाँ बता देते हैं बच्चों, जैसे कि हु आर यू, हु आर यू मतलब तुम कौन हो, तुम कौन हो, एक सेंटेंस हुआ। क्वेश्चन मार्क हमने लगा ही दिया। हु मीन्स होता है कौन, आर मीन्स हो या हैं, अब यहाँ पर हो यूज होगा और यू मीन्स तुम। सेकंड है वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो मतलब तुम कहाँ गए थे। सबकी हिंदी लिखना ज़रूरी नहीं है, बता देती हूँ मैं आपको, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। नेक्स्ट है वाई डिड यू लीव दैट हाउस, वाई डिड यू लीव दैट हाउस मतलब तुमने वह घर क्यों छोड़ दिया था। वाई मीन्स होता है बच्चों क्यों, ठीक है, वेयर मीन्स कहाँ, ठीक है, हु मीन्स कौन, वाई डू यू लीव दैट हाउस, तुमने वह घर क्यों छोड़ दिया था। नेक्स्ट सेंटेंस है एग्जाम्पल, डू यू लाइक ईट मैंगोज, डू यू लाइक ईट मैंगोज, क्या तुम्हें मैंगोज यानी आम खाना पसंद है, क्या तुम आम खाना पसंद करते हो। बात एक ही है, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है हैव यू लेफ्ट योर स्कूल, हैव यू लेफ्ट योर स्कूल, क्या तुमने अपना स्कूल छोड़ दिया है या तुम अपना स्कूल छोड़ चुके हो। ये सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इसी प्रकार से और भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। दूसरा, थर्ड नंबर का जो आपका टाइप है सेंटेंसेस का, वो है बच्चों इम्परेटिव, आई एम पी ई आर ए टी आई वी ई, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंसेस यहाँ इनके हम एग्जांपल बताएंगे और थोड़ा अर्थ भी बताएंगे। इनका मतलब होता है बच्चों आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य का क्या मतलब होता है, ऐसे वाक्य जिनमें निवेदन, जिनमें जिनसे जिनसे निवेदन, आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिनसे निवेदन यानी किसी से रिक्वेस्ट करना, आज्ञा देना, कोई ऑर्डर देना, उपदेश देना, कोई प्रीचिंग वगैरह, कोई अच्छी बात बताना, प्रार्थना करना आदि, ऐसे
सेंटेंस हो जिनसे ये भाव प्रकट हो वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों हम, जैसे कि प्लीज डोंट प्लक द फ्लावर, यानी कि कृपया फूल को मत तोड़िए, हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लीज ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है, कृपया फूल को मत तोड़िए। प्लक मीन्स होता है तोड़ना। नेक्स्ट है सिट डाउन स्टूडेंट्स, सिट डाउन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों बैठ जाइए, ठीक है। स्टूडेंट्स सिट डाउन यानी सब बैठ जाओ। नेक्स्ट है स्टैंड इन द क्यू, यानी कि स्टैंड इन द क्यू, क्यू मीन्स होता है बच्चों पंक्ति या लाइन, है। तो लाइन में खड़े हो जाइए, स्टैंड इन द क्यू, लाइन में खड़े हो जाओ। नेक्स्ट है इसका ओबे योर एल्डर्स, यानी ओबे योर एल्डर्स मतलब अपने जो बड़े हैं, है ना, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन करें, ओबे योर एल्डर्स। तो ये इम्परेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हो गए बच्चों। अब हम जो नेक्स्ट इसका भाग है वो है फोर्थ वाला, वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ई एक्स सी एल ए एम ए टी ओ आर वाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं देखिए, इनको हम बोलते हैं हिंदी में विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक वाक्य। विस्मय यानी आश्चर्य, सरप्राइज शो होता है, जिनमें ऐसे ऐसा ऐसे वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। और इसकी थोड़ी परिभाषा जान लेते हैं, यानी ऐसे वाक्य जिनसे हर्ष, शोक, आश्चर्य प्रशंसा आदि भावनाएं प्रकट हों, प्रकट हों उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। देखिए बच्चे, इसमें विस्मय और आदि, इसमें संधि हो रही है यहाँ पर, है ना। ऐसे वाक्य जिनसे हर्ष, शोक, हर्ष मीन्स होता है बच्चों खुशी, खुशी, और शोक मीन्स दुख, आश्चर्य प्रशंसा यानी किसी की बढ़ाई करना, प्रशंसा करना आदि भावनाएं प्रकट हों उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। और आगे चलते हैं इनके एग्जांपल्स की तरफ, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, एक्सक्लेमेशन मार्क का इसमें बच्चों ध्यान रखना है, जरूर लगाइएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ये कितना सुंदर फ्लावर है, यानी कि
बहुत सुंदर फ्लावर है। यहाँ व्हाट का मतलब क्या नहीं होकर आश्चर्य शो किया जा रहा है कि कितना सुंदर फ्लावर है। नेक्स्ट है ब्रेवो, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा इसमें, ब्रेवो वेल डन, यानी कि ब्रेवो ब्रेवो हम लगाते हैं कोई बहादुरी का काम किया है, कुछ अच्छा काम किया है, हिम्मत वाला, करेजियस, तो हम ब्रेवो वर्ड का यूज करते हैं, ब्रेवो वेल डन, बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट है अलास, आई लॉस्ट माई पर्स। देखिए इसमें क्या है, अलास यानी दुख शो किया गया है, शोक व्यक्त किया गया है। आई लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना पर्स खो दिया, यानी कि मेरा पर्स खो गया है। नेक्स्ट है व्हाट आ वंडरफुल व्यू, व्यू मीन्स होता है बच्चों नज़ारा, दृश्य, सीन भी बोल सकते थे। व्हाट आ वंडरफुल व्यू एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, कि कितना सुंदर दृश्य है, नज़ारा है। नेक्स्ट और लास्ट इसका एग्जांपल है हाउ हैंडसम हैंडसम दिस बॉय इज, यह लड़का, दिस बॉय, यह लड़का कितना सुंदर है, यानी कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। आपको पता होगा बॉयज़ के लिए यानी मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम हैंडसम वर्ड का यूज़ करते हैं, और फेमिनाइन यानी फीमेल्स के लिए हम ब्यूटीफुल वर्ड का यूज़ करते हैं सुंदर के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और उसके एग्जांपल्स। अब हम बच्चों लास्ट है इसका ऑप्टेटिव फिफ्थ टाइप जो है OPTATIVE ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है बच्चों इच्छा सूचक या अभिलाषा सूचक वाक्य, ठीक है, कोई इच्छा या अभिलाषा व्यक्त जिसमें की जाती है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब ये किसी के लिए अभिशाप भी हो सकता है, कर्स यानी अभिशाप, किसी के लिए शुभकामना भी हो सकती है, किसी के लिए विश भी किया जा सकता है। तो इच्छा सूचक या अभिलाषा सूचक वाक्य, देखिए इसकी थोड़ी और एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। जो वाक्य आशीर्वाद, इच्छा या अभिशाप का भाव प्रकट करे करें उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जांपल्स देखते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग का मतलब होता है कि आप चिरायु हों, चिरायु यानी चिरकाल तक जीवित रहें, लंबे समय तक जीवित रहें, तो ये एक आशीर्वाद है। सेकंड है मे यू विन द मैच, आप मैच जीत जाएं, यानी कि ये अभिलाषा की जा रही है कि आप मैच जीतें। नेक्स्ट है मे
यू गो टू हेल। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि ये अभिशाप दिया जा रहा है, कर्स किया जा रहा है किसी को, यदि बुरी भावना व्यक्त करती है तो हम इस तरीके से गो टू हेल ये वर्ड्स यूज करते हैं, मे यू गो टू हेल। नेक्स्ट है, इफ आई वर द ओनर ऑफ दिस मार्ट, इफ आई वर द ओनर ऑफ दिस मार्ट, ये ऐसी सेंटेंस बच्चे क्या होते हैं कि जो हम करना चाहते हैं लाइफ में हैं, तो हमारी एक इच्छा होती है अंदर से, अभिलाषा होती है कि मैं इस मार्ट का मालिक होता है, कोई मॉल है, मार्ट है, तो मैं इस मार्ट का मालिक होता। तो आगे ये सेंटेंस वैसे इनकम्प्लीट रहता है कि उसके बाद में क्या करता और क्या क्या इसमें सुविधाएं हो सकती थी और क्या क्या हो सकता था, वो सारी चीज़ें हिडन रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब अपनी उम्मीद को हम जाहिर करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं ऑप्टेटिव। फिफ्थ है इसका, इफ आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ माई स्टेट, इफ आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ माई स्टेट, यदि मैं अपने राज्य का, स्टेट मीन्स राज्य का चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री होता, तो और क्या क्या लोगों को मुहैया कराया जा सकता था, हैं, वो अपने अंदर की जो भावना है वो हम इसके जरिए शो करना चाहते हैं कि यदि मैं होता तो ये करता वो करता, है ना। तो ये सारे सेंटेंसेस बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, और इसके साथ ही हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखिएगा, धन्यवाद।